हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज और आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे उसका नाम है प्रिंट ऑल नोड्स एट डिस्टेंस के प्रिंट ऑल नोड्स एट डिस्टेंस के मतलब हमें गिवन होगा एक बाइनरी ट्री और उसमें किसी भी नोड से डिस्टेंस के पर जितनी भी नोड्स हैं वो सब हमें प्रिंट करनी है उसके लिए हमें गिवन क्या क्या होगा हमें गिवन होगा हमारी बाइनरी ट्री का रूट पॉइंटर हमारा सम टारगेट नोड पॉइंटर एंड आल्सो अ वैल्यू के जो रिप्रेजेंट करेगा कि किस डिस्टेंस तक की नोड्स हमें प्रिंट करनी है अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो हमें गिवन है ये बाइनरी ट्री जिसमें हमारा रूट हमें गिवन है वन और टारगेट नोड जो है वो गिवन है फाइव अब फाइव से हमें डिस्टेंस के मतलब थ्री डिस्टेंस पर सारी नोट्स प्रिंट करनी है एनालाइज तो कर लेते हैं खुद से कि फाइव से थ्री डिस्टेंस पर नोड्स कहने का क्या मतलब है तो फाइव से डिस्टेंस वन पर है हमारी नोट सिक्स टू पर हमारी नोट सेवन और डिस्टेंस थ्री पर हमारी नोट एट एंड नाइन पर ये नोड्स हुई सिर्फ इसके सब -ट्री में। अब फाइव के एनसेस्टर्स के थ्रू अगर हम जाए तो डिस्टेंस वन टू थ्री पर हमारी दो नोट होंगी जो होंगी थ्री एंड फोर अब हमें फाइव के आंसर में जो नोड्स ऐड करनी है वो करनी है हमारी नोड एट नाइन थ्री एंड फोर अब इसके बाद हम समझते हैं एक इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये नोड्स हम डिराइव कैसे करेंगे तो इसमें पहला जो केस आ जाता है हमारे पास वो आता है नोड्स सब ट्री का तो दो केसेस क्या हो सकते हैं दो केसेस ये हो सकते हैं कि फॉर अ गिवन टारगेट नोट हम या तो उसके सबट्री में नोट्स ढूंढ सकते हैं या उसके एनसेस्टर्स के थ्रू जाके तो पहला केस हम कंसिडर करेंगे उसके सबट्री में जाकर नोट ढूंढने का तो हमें गिवन है फाइव और फाइव का एंटायर सब ट्री हम ले लेंगे अब फाइव पर जो हमारी के की वैल्यू है वो है थ्री लेकिन अगर हम एक डिस्टेंस ट्रैवल करके सिक्स पर आ जाए तो हमारी के की वैल्यू सिक्स के लिए हो जाएगी अब सिमिलरली 6 से हम 7 पर आ जाएं तो 7 के लिए k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 एंड 7 से अगर हम उसके चिल्ड्रन मतलब 8 और 9 पर जाएं तो वहां पर जो वैल्यू हो जाएगी k की वो हो जाएगी 0 एंड 0 अब हमने नोटिस किया कि जब भी हम किसी नोड के चाइल्ड पर जा रहे हैं जो हमारा k है वो एक वैल्यू से डिक्रीमेंट हो रहा है जैसे 5 से हम 6 पर गए तो k डिक्रीज्ड फ्रॉम 3 टू 2 तो इसी तरह डिक्रीज होते होते जब भी हमारा के जीरो हो जाएगा के के जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है दैट इज करंट नोड और आंसर करंट नोड है मतलब के इज़ इक्वल टू जीरो पर हमने सारा डिस्टेंस जो है अपना कवर कर लिया है और आंसर में हम ऐड कर देंगे एट को एंड नाइन को तो ये बात कर ली हमने फर्स्ट केस की अब सेकेंड केस के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे हम कंसिडर करेंगे नोड के एंसेस्टर्स को नोड के हमने एंसेस्टर्स को कंसिडर करना है तो हमारे गिवन बाइनरी ट्री में जो नोड का अकेला एंसेस्टर गिवन है दैट इज वन अब वन को हमने कंसिडर किया तो हमें सबसे पहले क्या करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल इंसेस्टर्स फ्रॉम टारगेट नोड टारगेट नोड है फाइव इंसेस्टर्स है सिर्फ वन तो फाइव से वन तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज वन जिसको हम नाम देंगे सम वेरिएबल डी अब हमने ये डी फाइंड आउट कर लिया इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है फॉर ऑल इंसेस्टर्स सर्च अदर सब ट्री फॉर नो एट के माइनस डी तो हमने d फाइंड आउट कर लिया अब एनसेस्टर के सब ट्री में हमें k माइनस डी वाली नोट्स फाइंड आउट करनी है ये k माइनस डी कैसे आया अब हमने d कैलकुलेट किया था अपने केस के लिए वन हमारा k हमें गिवन था थ्री तो अब हमें वन से टू डिस्टेंस तक की मतलब थ्री माइनस वन डिस्टेंस तक की हमें नोट्स फाइंड आउट करनी है तो हम ये नोट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे हमारा टारगेट नोड अगर हमारे एंसेस्टर के लेफ्ट सबट्री में है तो हम सर्च करेंगे अपने एंसेस्टर के राइट सबट्री में लेकिन अगर हमारा टारगेट नोड एंसेस्टर के राइट सबट्री में है तो हम सर्च करेंगे एंसेस्टर के लेफ्ट सबट्री में इसका क्या मतलब हुआ जैसे वन हमारा एंसेस्टर है और फाइव टारगेट नोड जो एंसेस्टर के लेफ्ट सबट्री में है तो हमें सर्च क्या करना है हमें सर्च करना है एनसेस्टर का राइट सब ट्री फॉर वॉट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस के माइनस डी तो हम ध्यान से देखें तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाती है केस वन में फॉर द एनसेस्टर क्यों क्योंकि एनसेस्टर के अब सब ट्री में हम कॉल लगाएंगे तो एनसेस्टर की बात करें सिर्फ तो एनसेस्टर के लिए हमारा जो के हो गया वो हो गया टू क्योंकि ऑलरेडी फाइव से वन डिस्टेंस पर हमारा इंसेस्टर था अब वन पर के इज इक्वल टू टू है तो वन से हम जाएंगे टू पर तो टू पर जो हमारा के होगा वो रिड्यूस हो जाएगा वन पे और टू से जब हम जाएंगे थ्री एंड फोर पर तो के वैल्यू डिक्रीज बाय होकर हो जाएगी जीरो के इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि हमने अपना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और अब हमें इन करंट नोट्स को अपने आंसर में एड करना है तो हम आंसर में एट और नाइन के साथ एड कर देंगे अपना थ्री एंड फोर तो इस तरह अपने दोनों केसेस को कंसिडर करके हम अपने वैल्यूज निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी नोट हमारे टारगेट नोड से के डिस्टेंस पर अवेलेबल है तो अब हमने जो इंट्यूशन डिस्कस किया है उसके लिए कोड लिखने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम कोड लिखेंगे हमारे केस वन के लिए केस वन वॉज जब हमें अपने टारगेट नोड के सब्ट्री में डिस्टेंस के पर सारी नोट फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं जिसे टाइप दे देते हैं और इसे नाम दे देते दे हैं दे दे, प्रिंट सब ट्री इसमें हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे हमारा रूट एंड अ डिस्टेंस के अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा रूट अगर नल है या हमारा जो के है उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो इस केस में हमें सिर्फ रिटर्न करना है बिकॉज देयर इज नो पॉसिबल आंसर फॉर दिस सिचुएशन इसके बाद हम चेक करेंगे अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो डिस्टेंस के है वो इक्वल टू जीरो हो जाए डिस्टेंस के इक्वल टू जीरो होने का मतलब है अब हमें और कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना हम अपने फाइनल नोड पर पहुंच गए हैं तो यहां पर आकर हमें सिर्फ प्रिंट कराना है अपने रूट के डेटा को विथ सम स्पेस और यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न हो जाएंगे अब हम इसके चिल्ड्रन या इसके सब ट्री पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे बट अगर के हमारा जीरो नहीं होता है और के लेस देन जीरो भी नहीं होता है मतलब हमारा के ग्रेटर देन जीरो है तो इस केस के लिए हम कॉल लगाएंगे अपने रूट के लेफ्ट सब ट्री पर एंड राइट सब ट्री पर तो प्रिंट सब ट्री नोट्स रूट का लेफ्ट

अब कोशिश करते हैं केस टू का और हमारे मेन फंक्शन का कोड लिखने का जिसको हम कॉल करेंगे के के लिए ऑल्सो अब जो हम फंक्शन लिखेंगे इसे नाम दे देते हैं केस टू के लिए तो इसमें रिटर्न टाइप होगा हमारा इंट और ये इंट रिटर्न टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है अगर किसी भी पॉइंट पे हमें टारगेट नोड मिल गई तो उस टारगेट नोड से हम डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे नोड के एनसेस्टर्स तक एनसेस्टर्स तक क्यों डिस्टेंस रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए डी जो हमने अभी डिस्कस की है और इस डी वैल्यू को यूज़ करके हम केस टू को कन्वर्ट करेंगे केस वन में तो इसीलिए हमने जो रिटर्न टाइप लिया है वो लिया है इंट अब इसे नाम दे देते हैं प्रिंट एट के इसमें हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा रूट पॉइंटर उसके अलावा हमारे पास आएगा एक टारगेट पॉइंटर एंड डिस्टेंस के तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो रूट है वो नल हो गई है तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे माइनस वन अब डिस्टेंस माइनस वन क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें हमारी जो टारगेट नोड है वो नहीं मिली सो वी डोंट नो एनी डिस्टेंस तो हम इन्सेस्टर को जो रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहे हैं माइनस वन मतलब ये एक वैलिड डिस्टेंस नहीं है मतलब हमें नोड नहीं मिली अब इसके अलावा हम क्या चेक करेंगे हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो रूट है वो हमारी टारगेट नोड के इक्वल हो गई है क्या और अगर रूट हमारी टारगेट नोड के इक्वल हो गई है मतलब हमें अपना टारगेट मिल गया है अब हमें क्या करना है टारगेट के सबट्री नोड्स को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट सबट्री नोड्स को कॉल करेंगे फॉर आर रूट विद डिस्टेंस के और एक बार हमने सब ट्री की सारी नोट्स को प्रिंट कर लिया उसके बाद हम एंसेस्टर को अपना डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे एंड सिंस रूट टारगेट के इक्वल है तो डिस्टेंस जो रिटर्न होगा वो होगा जीरो अब डिस्टेंस जीरो रिटर्न होने के बाद हमने ये केस कवर कर लिया कि हमारा रूट टारगेट के इक्वल है लेकिन अगर हमारा रूट टारगेट के इक्वल नहीं हुआ तो किसी भी नॉर्मल रूट के लिए हम सबसे पहले उसके लेफ्ट सब ट्री में चेक करेंगे कि क्या टारगेट वहाँ एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम डिस्टेंस डी एल निकाल लेंगे। डी एल इज़ बेसिकली डिस्टेंस डी ही बट डी एल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये हम लेफ़्ट सब ट्री के लिए निकाल रहे हैं और हम सेम चीज करने वाले हैं अपने राइट right सबट्री के लिए तो सबसे पहले डी एल कैलकुलेट करते हैं डी एल हमारा होने वाला है प्रिंट नोट्स एट के में हम सेंड करेंगे रूट का लेफ्ट एंड डिस्टेंस के यहाँ पे हमने k माइनस वन इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमारा टारगेट फाइंड आउट नहीं हुआ है अभी हमें ओरिजिनल डिस्टेंस k पर ही सारी नोड्स निकालनी है और एक बार हमारे पास dl आ गया तो हम चेक कर लेंगे कि dl हमारा जो है वो माइनस वन के इक्वल तो नहीं है अगर dl एल माइनस वन के इक्वल हुआ मतलब हमें लेफ्ट सब थ्री में अपना टारगेट नहीं मिला लेकिन अगर नहीं है माइनस वन के इक्वल मतलब वी फाउंड आर टारगेट इन आर लेफ्ट सब थ्री अब एक बार हमने लेफ्ट सब थ्री में टारगेट ढूंढ लिया तो एक कंडीशन लगा लेते हैं वेयर डी एल प्लस वन इज इक्वल टू के अब डी एल प्लस वन के के इक्वल होने का मतलब है कि हम जिस करंट नोड पर हैं वो करंट नोड हमारे टारगेट नोड से केत डिस्टेंस पर है तो इस केस में हम प्रिंट कर देंगे अपने रूट का डेटा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करने वाले हैं अब रूट है हमारा एंसेस्टर अब हम एंसेस्टर के सब ट्री पर कॉल लगाने वाले हैं तो कॉल लगाते हैं प्रिंट सब ट्री नोट्स पर जिसमें हम सेंड क्या करेंगे हम सेंड करेंगे रूट का राइट एंड के माइनस डी एल माइनस टू अब हमने इनिशियली जो डिस्कस किया था वो किया था कि अगर हमारा टारगेट नोड रूट के लेफ्ट में मिलता है तो हम कॉल कहाँ पर लगाएंगे एनसेस्टर के राइट right पर और एनसेस्टर इस केस में हमारा रूट ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि हम डिस्टेंस लेंगे के माइनस डी सो वेयर डिड दिस एक्स्ट्रा माइनस टू कम फ्रॉम ये माइनस टू का फैक्टर इसलिए आया क्योंकि हम डायरेक्टली रूट पर नहीं हम रूट के राइट right पर कॉल लगा रहे हैं तो हमने एक डिस्टेंस और ट्रैवल कर लिया है और एडिशनली जब हमने रूट के लेफ्ट सब चाइल्ड से रूट तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसमें भी हमने एक का फैक्टर ऐड कर दिया तो हमें माइनस करना है टू फ्रॉम दी टोटल डिस्टेंस दैट इज के माइनस टू अब हमने प्रिंट सब ट्री नोट के लिए कॉल लगा ली अब फाइनली हम रिटर्न करने वाले हैं अपना डिस्टेंस विच इज वन प्लस डी एल अब ये कोड लिख लिया हमने अपने पूरे रूट के लेफ्ट सब ट्री के लिए अब हम सेम कोड कॉपी करने वाले हैं अपने रूट के राइट सब ट्री के लिए और इस कोड में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे हम इसे बस बना देंगे अपने रूट के राइट चाइल्ड के लिए तो हमने सेंड किया प्रिंट नोड्स एट के में रूट का राइट right और इस वेरिएबल को नाम दे दिया डी आर डी आर के लिए हमें सेम कंडीशंस रखनी है तो डी आर के लिए भी हम सेम चीज़ें चेक करेंगे और यहाँ प्रिंट सब ट्री नोड में हम सेंड कर देंगे रूट का लेफ्ट विथ के माइनस डी आर माइनस टू एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे वन प्लस डी आर तो ये हमने डी एल एंड डी आर के केसेस में रिटर्न कर दिया अपना डिस्टेंस वन प्लस डी एल एंड वन प्लस डी आर जब हमने अपने लेफ्ट सप्ट्री या राइट right सप्ट्री में फाइंड कर लिया अपने टारगेट नोड को पर अगर ऐसा कोई केस आए जिसमें रूट के लेफ्ट सप्ट्री और राइट right सप्ट्री में टारगेट नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता और रूट भी टारगेट के इक्वल नहीं है तो इस केस में हमें जो टारगेट नोड है वो नहीं मिला तो इस केस में हमें जो डिस्टेंस रिटर्न करना है दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन तो हमने केस वन एंड केस टू को कंबाइन करके पूरा कोड लिख लिया है अब हम इस कोड को रन करते हैं रन करते हैं अपने इस सब ट्री के लिए जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी अब इस सब ट्री के लिए हम क्या करेंगे हम टू के लिए कॉल लगाएंगे और टू में हाँ जो हम के पास करेंगे वो पास करेंगे वन तो टू के वन डिस्टेंस पर है सब ट्री में फोर और टू के एनसेस्टर्स में वन डिस्टेंस पर है वन तो कॉल करते हैं प्रिंट नोट एट के में हमने पास किया अपना रूट एंड उसके अलावा हमने पास किया अपना टारगेट विच इज़ रूट का लेफ्ट एंड हमारा के इक्वल टू वन प्रिंट नोट एट के में हमने एक मिस कर दिया था एक हमारा पैरामीटर विच वॉज़ टारगेट जो हमें सेम रखना है जो हम डीएल के लिए ऐड कर देते हैं और टारगेट को ऐड कर देते हैं अपने डीआर के लिए और इसे दोबारा सेव करके रन करते हैं तो रन जब हमने किया तो हमारा आंसर हमारे पास आया फोर एंड फोर एंड वन अब देखते हैं कि फोर एंड वन हमारे टेस्ट केस में हमने पास किया था टू विच वॉज रूट का लेफ्ट तो टू पर वन डिस्टेंस पर जो हमारी नोट थी वो थी फोर इन द सब ट्री फॉर केस वन एंड वन इन द एंसेस्ट्रल पाथ विच वॉज रूट नोट वन तो हमारा जो आंसर आ गया है वो सही आ गया है और हमने अपने एक नोड के लिए दो केसेस को कवर करके सारे नोड्स आर डिस्टेंस के फाइंड आउट कर लिए सो दिस वॉज इट फॉर टुडे आई होप आपको सब समझ आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग